शॉट क्या है? खरगोश पकड़ना मुश्किल है सिम्बा। मैदान में चलते हैं सिम्बा, वहाँ हमें हरी घास मिलेगी। नहीं शुक्रिया, हरी घास तुम खाओ, मेरा खाना तो यही है। सिम्बा वापस आओ, सिम्बा रुको, सिम्बा 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 तुम नहीं पकड़ पाओगे। सिम्बा सिम्बा तुम नहीं पकड़ पाओगे उसे। मैंने कहा था तुम ठीक हो? पर मुझे भूख लगी है। तो ठीक है, चलो खुले मैदान की ओर चलकर कुछ मजेदार खाते हैं। रुको बकशॉट, कहा था खरगोश तुम्हारे बस की बात नहीं है। पता है, याद दिलाने की जरूरत नहीं। जाओ जाके घास खाओ। काओ, काओ। अरे तुम यहाँ, तुमने घर क्यों नहीं गए? भूख नहीं लगी क्या? हम चमेली माँ पर खाना खाने के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। हम अपना खाना खुद ढूंढ लेंगे। क्या कहा, आज निर्भर बनोगे? भूख लगी है काओ। इतनी छोटी उम्र में आत्मनिर्भर होना इस जंगल में बहुत मुश्किल है। चमेली माँ के पास जाओ, वो तुम्हें सिखाएगी जो सीखना चाहिए। नहीं, आजकल वो संजीव की किताब से शाकाहारी व्यंजन के सिवा कुछ नहीं बनाती। ये बात है तो तुम्हें अगस्त्य के पास जाना चाहिए, वो मदद करेगा। वो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, काफी किताबें पढ़ी है उसने। हो सकता है वो तुम्हें कुछ ऐसा बता दे जिसकी तुम्हें जरूरत हो। अच्छा तो अब मैं चला अपने रास्ते और तुम चलो अपने रास्ते। शुक्रिया काओ, अलविदा। अलविदा काओ। अलविदा, फिर मिलते हैं। आखिर आ ही गए। वो देखो सिम्बा, कहते हैं यहाँ की घास आपकी सारी भूख मिटा देती है। शायद, पर शेर कभी घास नहीं खाते बकशॉट। बड़बड़ करना बंद करो और ये हरी हरी घास खाओ। सच में? स्वाद अच्छा है क्या बकशॉट? स्वादिष्ट है, और पता है मैं तो दिन भर खा सकता हूँ। तुम भी खाओ सिम्बा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अजीब लग रहा है। सिम्बा मेरे दोस्त, क्या तुम तैयार हो बदला लेने के लिए जिन्होंने हमारे माता पिता की जान ली? हाँ मेरे दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शेर खान और उसके चमचे लकी तबाकी और उन बंदूकधारी मनुष्यों से बदला लेना है। तो फिर चलो, अब वक्त आ गया है। Thank you.
अरे ये लोग क्या कर रहे हो गया? लगता है दिमाग खराब हो गया है। तो नहीं होंगे। अरे इनका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे देखो ना क्या कर रहे हैं सब। अरे ये पागल हो गए क्या? खराब हो गया तो। पागल हो गए ये। अरे लगता तो ही है। ये करना क्या चाहते हैं? तो लड़ाई की तैयारी कर रहे क्या कर रहा है? ये क्या कैसी तैयारी कर रहे हैं? मैं शेर खान को खबर देता हूँ। मालिक एक अच्छी खबर है, सिम्बा और बक्सवार पागल हो गए हैं। उन्होंने हमें डराने की भी कोशिश की और वो अब आपको ढूंढ रहे हैं जनाब। मालिक सुन रहे हैं हुजूर? देखता नहीं मैं सो रहा हूँ, उन्हें आ ले आओ, मैं देख लूंगा उन्हें। देखते रहिए वो सो रहे हैं। ओ हाँ ठीक है पर ऐसा कहते हैं करो, उन्हें यहाँ लेकर आओ और उन छुटकों का नाश्ता भी करेंगे। लेके आओ उन्हें, मैं तुम्हें नाश्ता बना दूंगा। शेर खान ने कहा कि हमें उन्हें पकड़ना है। तो फौरन छूटना चाहिए। चलो 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 की आज्ञा का पालन करेंगे। ये तो मुश्किल है। कैसे पकड़ें? अगर हम उनके पास गए तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, पर उन्हें नहीं पकड़ा तो शेर खान को क्या जवाब देंगे? मुश्किल काम है। देखो कितना उछल रहे हैं। चलो चलो छोड़ना मत सिम्बा, शेर खान बचना नहीं चाहिए। बहुत अच्छे सिम्बा। वो क्या कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। चलो माँ को लेकर आ, मैं एलेक्स को बुलाता हूँ। सही कहा, उन्हें माँ की जरूरत है। शायद उनके पागलपन को एलेक्स ही ठीक कर पाएगी। पता नहीं क्या हो गया है, जल्दी जाओ। उन्हें ये दवा रोज देना, थोड़ी थोड़ी, वो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ठीक है? ठीक है एलेक्स, शुक्रिया। ओह माँ, ओह माँ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ है? सिम्बा और बक्सवार पागल हो गए हैं, वो झाड़ियों को नष्ट कर रहे हैं। चलकर देख लीजिए। अजीब बर्ताव कर रहे हैं। हाँ कुछ अजीब बड़बड़ा भी रहे हैं। जल्दी चलो, जल्दी चलो, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। शुक्रिया। उठो बच्चे। तुमने ऐसा क्या खाया बेटा? मुझे खरगोश खाना था पर बक्सवार ने मुझे घास खिलाई। कैसी घास? मुझे याद नहीं। वो झाड़ियों से लड़ रहे थे, हमने देखा। हाँ काफी आतंक मचाया है। तुम्हें पेड़ पौधों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उनमें भी जान होती है। कुछ समझ में आया? एलेक्स ने सही कहा, पेड़ भी हमारे दोस्त हैं। मैं उठ नहीं पा रहा। मैं भी नहीं। इसका इलाज है मेरे पास। क्या उससे वो ठीक हो जाएंगे एलेक्स? हाँ इस जड़ी बूटी के काढ़े से सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ ये लो सिम्बा पियो।
पी लो, पियो। नहीं। पी लो सिम्बा, इससे तुम ठीक हो जाओगे। पियो। बहुत बढ़िया सिम्बा, तुम बहुत अच्छे हो। अब बक्शॉट तुम्हारी बारी है। जरा मुंह खोलो बक्शॉट, ये पीकर अच्छा लगेगा। अब ठीक लग रहा है, दोनों एक जैसे हैं। सिम्बा बक्शॉट शाबाश। अंत भला तो सब भला। चलो अगस्त्य को बताया जाए कि उसका कारा काम कर गया। और मैं इन शैतानों को घर ले जाती हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अलविदा एलेक्स। अगस्त्य। अगस्त्य, उठो भी, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या तुम सुन सकते हो? उठो आलसी कहीं के। तुम्हारी मदद की जरूरत है सिम्बा को। तुम्हें सिम्बा को बताना होगा कि जंगल में क्या उसके खाने लायक है। क्या? और बक्शॉट को भी, उन्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, पर पहले ये खत्म कर लूँ, फिर उन्हें सिखाता हूँ कि पेट कैसे भरा जाता है। शैतानी मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। भूख लगी है। अब बस भी करो, हमेशा खेलते ही रहते हो। तुम यहाँ खेल रहे थे और हम वहाँ शेर खान से लड़कर आ रहे हैं, पता है? सही सुना। खतरनाक है ये तो। हमने आखिर अपना बदला ले ही लिया, ये आसान नहीं था। तुम दोनों डरपोक हो, तुम्हें बस सोचता है तो खाना, सोना और खेलना। जब तुम ये सब कर रहे थे, मैं पिताजी का बदला ले रहा था शेर खान से। उस दिनों तुमने उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। काकू देखा अकड़ू? हाँ माँ, वो थोड़ी धूप सेक रहा है। क्या तुम उसे बुला लाओगे? क्यों नहीं। सिम्बा और बक्शॉट की अकल वही ठिकाने लगाएगा। अब देखना तुम, वो सो गए। उन्हें बस इसी की जरूरत थी। सच में? हाँ, नींद की वजह से जड़ी बूटियों का काढ़ा अच्छा असर करेगा। हम तो खेल रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि इनके आसपास मत भटकना, दोबारा नहीं कहूँगा। अगली बार यहाँ दिखे तो देख लेना। कैसी हो प्यारी दोस्तों? मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा। क्या तुमने बुलाया था एलेक्स? हाँ, सिम्बा और बक्शॉट ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि वो अपनी अलग दुनिया में चले गए, पर मैंने उन्हें अभी अपना काढ़ा दिया है, वो ठीक हो जाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ बुलाया था? हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें सिखाओ कि दूसरों के साथ आदर से कैसे पेश आए। तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? इस काम के लिए अगस्त्य से बेहतर कौन हो सकता है? पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना एलेक्स। सिम्बा प्यारे बच्चे, उठो। बक्शॉट जल्दी से उठो, चलते हैं, पढ़ाई का वक्त। हम थके हुए हैं, हमें अकेला छोड़ दो। और कमजोर भी, मैं अब तक तुम्हें निकल गया होता, तुम्हें पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ हूँ। तुम्हारा मतलब, जब मैं सपने में खाना देख रहा था तब तक मैं तुम्हारा निवाला बन चुका होता। कोई ऐसा क्यों करेगा? मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ ना, कोई मुझे तब तक कैसे खा सकता जब मैं नींद में हूँ? मुझे नहीं लगता।
मुझे भूख लगी, अब तो शायद मैं हरी हरी घास भी जाकर खा सकता हूँ। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो। ठीक है सिम्बा, उम्मीद है कि तूने सबक सीख लिया होगा। तुम्हें चौकन्ना रहना होगा सिम्बा, हम सब खाद्य श्रृंखला में आते हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि जंगल में खुद की रक्षा करना कितना जरूरी होता है, ताकि तू खतरों से बच सको। और तुम्हें शिकार करना भी आना चाहिए, बगीरा तुम्हें शिकार करना सिखाएगा। और तुम बकशॉट, तुम्हें पता है कि घास और झाड़ियाँ कैसे ढूंढनी है, और तुम्हें सीखना होगा कि उसमें से खाने वाली कौन सी है और कौन सी नुकसान पहुँचा सकती है। हर जीवित चीजों का एक उद्देश्य है, कुछ चीजें प्राणियों का भोजन बनती है और कुछ चीजें खाने लायक बिल्कुल नहीं होती। पर उन्हें सुरक्षित चीजों के बारे में कैसे पता चलेगा? पढ़ाई करके, उससे तुम अपने बड़े बड़े फैसले ले सकते हो। जैसे कि पढ़ाई से तुम्हें ये पता चलेगा कि हिरण पेड़ पौधे खाने वाले शाकाहारी प्राणी होते हैं। और शेर का भोजन? शेर बिल्लियों की प्रजाति के होते हैं, वो मांस खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, तुम्हारी तरह सिम्बा। मैंने बक्शॉट से यही कहा था, मुझे एक मोटा सा खरगोश मिला था पर बक्शॉट ने उसे पकड़ने नहीं दिया। वैसे भी वो बहुत तेज था। बगीरा तुम्हें बताएगा कि शिकार कैसे करना है, ताकि तुम पेड़ और घास अपने दोस्त बक्शॉट के लिए छोड़ दो। उसका खाना है पेड़ पौधे और तुम्हारा मांस मछली, कुछ समझे? प्रकृति में हर छोटी बड़ी चीज का एक महत्व होता है, इसलिए तुम्हें छोटे से छोटे कीड़ों का भी आदर करना चाहिए। हर चीज जरूरी है, समझे तुम? चलो भाषण बहुत हुआ, अभी ने ये बताओ कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो कहाँ मिलेगा। तुम उन्हें ये बताना भूल गए कि वो पेड़ों पर लगे फल भी खा सकते हैं, कुछ पेड़ों के फल मीठे भी होते हैं। मैं भूला नहीं, पर फल सिर्फ बकशॉट ही खा सकता है। पर तुमने सही कहा, फलों में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, बस ये याद रखना कि वो ठीक से पके हों और जमीन पे गिरे हुए हों। जब वो पके हुए होते हैं तब वो स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे होते हैं। और बचे हुए फलों को जमीन में गाड़ दो, ताकि नए पौधे धरती से निकल सके। यही प्रकृति का नियम है जिसे तुम आगे चलकर सीख जाओगे। सच में सीखेंगे क्या? हाँ सिम्बा, पर तुम्हारी उम्र में सीखने के साथ साथ खेलना भी चाहिए। सुना तुमने, चलो चलकर लुक्का छुपी खेलते हैं। आता हूँ। समझ गया, पर अभी मुझे सोना है। हाँ? कैसे हो तुम लोग? किसी ने मुझसे कहा कि मुझे तुरंत यहाँ आना है, कुछ गड़बड़ है? हाँ? कोई भारी चीज तो नहीं उठा रही है? लगता है आज बच्चों को बहुत कुछ सुनना पड़ा है। कोई कुछ तो बताओ, क्या कोई नई शैतानी कर दी? हाँ, आजकल पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं। अच्छा तो फिर ये बताओ, मेरी सूंड के ठंडे पानी के फव्वारों से नहाना कौन पसंद करेगा? नहीं शुक्रिया। वो अभी भी सीख रहा है हाथी। पता है, बस मजाक कर रहा था, अभी ये बच्चे हैं, समय के साथ सीख जाएंगे। असल मैं भी थोड़ी देर पहले इन्हें यही समझा रहा था हाथी, लगता है इन्हें समझ में आ गया है। ठीक है, फिक्र मत करो, तुम घर जाकर सो जाओ, मैं इनका ख्याल रखूंगा, ये सुरक्षित है। शुक्रिया, मैं थोड़ा आराम करता हूँ, नन्हे बच्चों शैतानी मत करना। हाँ, अगर तुम्हें चमेली के हाथों का खाना पसंद नहीं है तो तुम्हें खुद खाना ढूंढना होगा। सिम्बा तुम बगीरा से शिकार करना सीख ले, और तुम बक्शॉट तुम मेरे साथ आओ, और मैं तुम्हें बताऊंगा क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है बक्शॉट? अगर ये प्रस्ताव मंजूर है तो मैं अभी बगीरा को बुला लेता हूँ। बिल्कुल। उम्मीद है इससे तुम्हें कुछ मदद मिलेगी, हम सब ने वादा किया था, याद है ना? हाँ शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो हाथी। कैसे हो बगीरा, यहाँ जल्दी आने के लिए शुक्रिया, चमेली थोड़ी परेशान है। कैसे हो? मैं इसे खाने ही वाला था कि तुम लोगों ने बुला लिया। सिम्बा को सिखाओ शिकार कैसे करना है, आजकल कुछ भी खाता है। कैसे हो सिम्बा? ठीक हूँ। हाँ?
नहीं, इसे मत छुओ सिम्बा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरा शिकार है। मुंह में पानी आ गया ना। बगीरा, बस थोड़ा सा खाने दो, कल तो तुम मुझे शिकार करना सिखा दोगे। ये लो, तुम खा सकते हो, पूरा खा लो, उसके बाद एक अच्छे से नींद ले लो ताकि कल हम शिकार पर जल्दी निकल सके। शुक्रिया, अगर तुम ना होते तो इन्हें संभालना कितना मुश्किल था, ये सब शैतान हैं। बच्चों को ठीक से पालने का वादा हम सब ने किया था, कल से मैं खुद सिम्बा को शिकार करना सिखाऊंगा। और बकशॉट को अच्छा हिरन बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो चमेली। आज सिम्बा और बकशॉट बहुत खुश हैं क्योंकि उनके पास खाना है, पर क्या आने वाले समय में वो आज मिली सीख से कुछ सीख पाएंगे? बड़ा और ताकतवर बनने के लिए उन्हें अच्छे खाने की जरूरत होगी। ये जानने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।